नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। ऑस्ट्रेलिया ने 5 टेस्ट मैचों की एशेज सीरीज में इंग्लैंड को 4-0 से हरा दिया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया 35वीं बार एशेज का विजेता बन गया। आखिरी टेस्ट में 271 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड महज 124 रनों पर ऑल आउट हो गया। अपनी दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया के 155 रनों पर समेटने के बाद इंग्लैंड ने होबार्ट में तीसरे दिन 271 रनों के लक्ष्य का पीछा करना शुरू किया तो ऐसा लगा कि इंग्लैंड जीत सकता है। उसकी शुरुआत भी अच्छी हुई, हालांकि कैमरन ग्रीन ने ऑस्ट्रेलिया को मैच में वापस लाने में मदद की। उन्होंने दूसरी पारी में इंग्लैंड के शुरुआती 3 विकेट झटक कर शानदार प्रदर्शन किया। इंग्लैंड का निचला क्रम तांस के पत्तों की तरह इसके बाद ढह गया। टीम ने कुल 5 विकेट अपने 23 रन के अंदर ही गंवा दिए और यहीं से इंग्लैंड की हार निश्चित हो गई। पैट कमिंस, स्कॉट बोलैंड और कैमरन ग्रीन ने 3-3 विकेटों की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5वें और अंतिम एशेज टेस्ट मैच के तीसरे दिन ही 146 रनों से पीटकर सीरीज में 4-0 से कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया चौथा टेस्ट मात्र 1 विकेट से नहीं जीत पाया था, वो टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ था और काफी रोमांचक रहा था। वहीं इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड 37 रन पर 6 विकेट और स्टुअर्ट ब्रॉड 51 रन पर 3 विकेट ने घातक गेंदबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया को दूसरी पारी में केवल 155 रनों पर समेट दिया था और अपनी टीम के लिए जीत की उम्मीदें जगा दी थी। लेकिन जीत के लिए मिले 271 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम दूसरी पारी में 28.5 ओवर में 124 रनों पर ढेर हो गई और इसी के साथ इंग्लैंड को हार का सामना करना पड़ा और 4-0 से उसने एशेज सीरीज गंवा दी। इस जीत के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 35वीं बार एशेज पर कब्जा करके इतिहास रच दिया है।